नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछि। प्रथमे हेडलाइंस कालियापाणी रे छात्री को दुष्कर्म घटना चारि गिरफ। अभियुक्तों मध्यरे जने पुलिस कर्मचारी गत 7 तारीख राति रे घटीथिला जघन्य कांड। दुष्कर्म परे अर्ध उल्लंघन अवस्था रे रास्ता रे दौड़िथिले युवती। सिमिलीपाल रे लिभुनी निया। उत्तर जोन रो आहुरी 93 टी स्थान रे निया लागिथिबा सूचना। 4 टी अग्निशम और 26 जणिया ड्राफ्ट टीम पक्षरु निया लिभा कार्य जारी। आज दायित्व नेबे ट्विन सिटर नवनिजुक्त सीपी सोमेन्द्र प्रियदर्शी। अपराध नियंत्रण भिभीआईपी सुरक्षा रहिबो बड़ चैलेंज। पूर्व क्राइमब्रांच एडीजी भावे तुलाइछंती दायित्व। कोलकाता क्वेल घाटी बिल्डिंग रे अग्निकांड घटना। मृत्यु संख्या 9 को वृद्धि। मृतकों परिवार को 10 लाख टंकार सहायता घोषणा कले मुख्यमंत्री। दुख प्रकाश कले प्रधानमंत्री। भारत बांग्लादेश मध्यरे सृष्टि हेबो नुआ अध्याय। आज भिसी जरियारे मैत्री सेतुर उद्घाटन करिवे प्रधानमंत्री। वाणिज्य जनसंपर्क क्षेत्र रे सृष्टि हेबो इतिहास। गंजाम प्रसिद्ध दंड यात्रा रे लागिला कटकणा। केवल दंडुआ को मिलिला अनुमति। सांस्कृतिक कार्यक्रम सह भोजी भात को मना। कोविड नियम उल्लंघन कले दायी रहिबो कमिटी। शेषर रायगड़ा रे गुणी गारडी संदेह रे जणकु हत्या घटना। पालजिली बंध गांव 6 जणकु गिरफ कला पुलिस। फेब्रुआरी 26 रे वृद्धंकु हत्या परे जाळी दैथिबा अभियोग। एथर संपूर्ण खबर। जाजपुर जिला कालियापाणी रे कॉलेज छात्रों को गण दुष्कर्म घटना रे 4 गिरफ। अभियुक्त माने स्थानीय अंचल रो होइतिबा बळे सेमानक मध्यरु जणे पुलिस कर्मचारी थिबा जणा पडिछि। गत 7 तारीख राति रे घटीथिला लज्जाजनक घटना। कॉलेज छात्री जणक वृत्ति निमन्ते तांको पुरुष बंधुक सह कालियापाणी जाउथिले। एहि समय रे अभियुक्त माने युवती को दुष्कर्म करथिले। सेठारु युवती जणक अर्ध उल्लग्न अवस्था रे दौड़ी पळाइथिले एवं जणे महिला गृह रक्षीक घरे आश्रय नैथिले। घटना स्थानीय अंचल चांचल्य खेला। संपर्कित अधिक सूचना पाई हम सहित ऑनलाइन रे जोड़ी होती हम प्रतिनिधि संतोष मलिक जोड़ी होती। संतोष पूरा घटना कौन थी एवं वर्तमान सुधा पुलिस रो एक्शन केते दूर जा चांचल्यकर घटना घटी जाजपुर जिला सुकिंदा निर्वाचन मंडली कालियापाणी थाना अंचल जने आदिवासी छात्री को जो गण दुष्कर्म कर गत 7 तारीख दिन राति कॉलेज छात्री निज बंधु सहित से जाते निज वृत्ति जाते पुरुष बंधु सहित जाने अभियुक्त मैंने दुष्कर्म उद्यम करते छात्री जन को उर्ध अलग अवस्था गोटे गोटे तड़ी तड़ी कलरंगी छक निकटे जन होमगार्ड जी कि महिला होमगार्ड जनक घर जाए से आश्रय नहीं किंतु गोटे दुखदायक घटना से एभली अंचल जो 7टा 8टा बेले जो घटना घटला कि जो कालियापाणी टाटा गेट पाखे जो जो पुरुष बंधु सहित खाइले खाइवा जो घटना फलोअप करके जो घटना घटला कि पुलिस से समय पुरुष बंधु कौटी थे से समय पुलिस पुरुष बंधु जहां शुणा को मिली बर्तमान सूचना अनुजाई पुरुष बंधु को राज्य सरकार राज्य पुलिस अच्छी जो गृह रक्षी पुलिस बर्तमान ओडिशा पुलिस कालियापाणी भाव कार्य कर दुखदायक घटना राज्य सरकार जो राज्य पुलिस अच्छी से मत जड़ित अच्छा बड़ा दुखदायक घटना चिन्ह तेज संतोष वर्तमान सुधा पुलिस दूर कार्युषानी जहां सूचना मुताबक जहां कालियापाणी थाना अधिकारी रमाकांत मुदुली फोन मध्यम जोजोग कर बर्तमान कहले तो 4 अभियुक्त को गिरफ्त करी मध्य कोर्ट चालन करिछु किंतु तांको पचारले विषय कोर्ट कहार हाथ पाई पारे किंतु से कहले जे आउ कहार हाथ पाई पारे बोली से पर्यंत पुलिस एथरे तबे वर्तमान युवती केउ परिस्थिति रे एवं केउठे अछंती सुस्थ अछंती ना नाही तो जहां सुनिया कोबर जे सुस्थ नाम जाय युवती जन का सुस्थ अवस्था नांती भावित अवस्था रे अछंती। ए विषय रे आमे जिला आरक्षी जे के अछंती हमर राहुल तिहार को मते जोगाजोग करथिलु वर्तमान ए विषय अधिक सूचना पाई मते
ଭିତରେ 12টা ବେଳକୁ 12টা ଖଳ 12টা ଭିତରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଷୟରେ ଗରିବାଲି କହିଛନ୍ତି ଯୁବତୀ ବିଷୟରେ। निश्चित भाव में संतोष बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर समस्त सूचना पर आप शुणुते संतोष मल्लिक आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी थे फोन जोगे से मिले क्षमा करेंगे जो भाई भाव में गोटे जघन्य कांड घटी कालियापाड़ी में युवती गण दुष्कर्म कर जो दुष्कर्म जड़े ओडिशा पुलिस कर्मचारी थी बर्तमान अभियोग हो आसे परवर्ती खबर को शिमिलीपाल निया लिभिबार ना धरुणी आज आहुरी उत्तर जोन में थिबा 6 रेंजर 93 स्थान में निया लागिथिबा नै सैटेलाइट रिपोर्ट रु सूचना मिली सेथिमध्यरु बरहीपाड़ी रेंज में 3 बीट गुड़गुड़िया रेंज में 3 तालबंध रेंज में 2 केन्दुमुड़ी रेंज में 2 चहला और नणा रेंज में गोटे लेखाएं बीट अंचल में निया लगी निया लिभाइबा वन विभाग सह 4 अग्निशम विभाग टीम शिमिलीपाल भितरक प्रवेश करथिबा बेले बालेश्वर 26 जणिया ओड्राफ टीम नियोजित होती आउ फॉरेस्ट सर भी कही इक्विपमेंट्स देवे तापर भी पहाड़ उपरे निया लिभा गोटे चैलेंज रो पाठ किंतु आम यथासाध्य चेष्टा करूँ निया लिभा शिमिलीपाल आज प्रथम आमर अच्छा 26 जन अच्छा ड्राइवर अच्छा हाविलदार 7 जन लांस नाइक जड़े 16 जन कनेस्टेबल आउ ड्राइवर 2 जन गाड़ी 2टा अच्छे चेंज हम यहाँ पहाड़ उपरे निया लिभा गोटे चैलेंज रो पाठ ये आम चैलेंज कर आयत करने चेस्टा कर ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧୁରିନି ଏବଂ କାଲି ଆମେ ରାତି 8 ବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲୁ ଶିମିଳିପାଳକୁ। ଶିମିଳିପାଳ ଆମେ ଖୁକୁରୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇଥିଲୁ ଆମକୁ ଗଣେଶାଶ୍ରମ ଅଛି ଗଣେଶାଶ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନାଚୁଣୀ ପାହାଡ଼ ବୋଲି ଅଛି ସେଠି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 3 କିଲୋମିଟର ଆମେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଏବଂ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀକୁ ନେଇକି ଚଢ଼ିଥିଲୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜଙ୍ଗଲ କିଛି ନିଆଁ ଆୟତ କରିଛୁ ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର ହେବ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲିଭେଇଛୁ ଲିଭେଇକି ରାତି 12:30 ସେଠି ଫେରିଛୁ କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଅଣାୟତ ରହିଛି। ଏବେ ଆମର ବାଲାସୋରରୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ 2ଟା ଟିମ୍ରୁ ଚାହଲାରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ବରେପାନିରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଫାୟାର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ତାପରେ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ପିଲାମାନେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତ୍ରି ବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିକି ଏବେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପାଖାପାଖି ଲାଗିବ ସାର୍ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା କେମିତି କହିପାରିବେ ବଟ୍ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। तेज राजभवन सम्मुखें ओडिशा अभिभावक महासंघर वर्तमान आंदोलन चली तेज सीधासल आंदोलन स्थल को जावाठू सीधासल जोड़ी होती आम प्रतिनिधि शत्रुपा शत्रुपा अभिभावक संघ का कहीं आज धारणा देखते से दावी कौन आस देखु चिन्मयी आज राजभवन सम्मुखें जो रही कंप्यूटर शिक्षक और शिक्षयत्री समस्ते एकत्रित होती अभिभावक महासंघ आज सपोर्ट कर आज जो आंदोलन से माने बस कारण दीर्घ दिन धरिकी एम को छटे कंप्यूटर शिक्षा जो रही बंद कंप्यूटर शिक्षा जो रही कंप्यूटर शिक्षा को बाध्यतामूलक करणा जा रही राजरास्ता राजभवन सम्मुखें आज खाली गिना धरिकी बजाऊँ मो स्कूल जो रही कंप्यूटर मो स्कूल अभियान में कंप्यूटर पढ़ा को बाध्यतामूलक कराऊँ जो रही मो स्कूल अभियान में छटे होता समस्त कंप्यूटर शिक्षक शिक्षयत्री को आउ थे पुनः निजुक्ति दि जाऊा दाबी धरिकी से आज राजरास्ता उपरे बस सीधासल आलोचना करवा अभिभावक संघर मध्य रही सभापति रही सहित आलोचना करवा सर कौन रही कहीं धारणा एवं अभिनव प्रयास में धारणा दि जाऊँच खाली गिना बजाऊँ घंटा घंटा धरिकी आज समस्त धारणा दे देखु जोबले अभिभावक मैंने शिक्षक मैंने जो मैंने अभिभावक अच्छे निजे निजुक्ति पाई कंप्यूटर टीचर हिसाब से निजुक्ति पाई से मैंने आज ओडिशार विभिन्न कर्णर आसी आमर मुख्य दाबी रोचे आपत देखिए जदि कंप्यूटर शिक्षा को बाध्यतामूलक एथपाई कर आजिका दिन में जब कंप्यूटर शिक्षा विषय में जड़े न जाणी तेल ताक मूर्ख कह कंप्यूटर हूँ बर्तमान प्राइम काम जो थे कि पाठ पढ़ा सहित कंप्यूटर आवश्यकता अच्छी जो अभिभावक पिला छाड़ू ता स्कूल को सरकारी स्कूल को कंप्यूटर शिक्षा जदि न दिजाव तेल से ही पाखे जो प्राइवेट स्कूल होती पाखापाखि 5 वर्ष भितर 35%
ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ତିନୋଟି ଦାବି ରଖିଛୁ, ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ କାହିଁକି କରାଯାଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାକୁ ତା ଦେହରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଉ। ଓପେପା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, 1100-1200 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବେ ଖତ ଖାଉଛି, ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାଯାଉ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏବଂ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଟିଚରମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ତିନୋଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଦାବି ନୁହେଁ, ମୋ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନାରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିକି ଯେତିକି ପଇସା ପାଉଥିଲେ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ କଥା ମାନିବେ, କେବେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆସିଲା ବେଳେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା କଥା ଦାବିକି ଆଗକୁ ନେବେ। ଦେଖୁଥିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯେଉଁ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଥାଳି ଗିନା ବଜାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ରହିଛି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଠକେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆହୁରି ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି କାହିଁକି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଛଟେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ ନେଇକି? 4000 କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ସଂଘ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛି। ଅଭିଭାବକ ସଂଘ ଧାରଣାରେ ବସିଛି ମାନେ କେତେ ବଡ଼ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ସରକାର ନିଜେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦାବି ହେଉଛି ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ ଏବଂ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଉ। ମୋ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ମୋ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଅଛି, ସେ ମୋ ସ୍କୁଲରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟଟାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଜିକା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପେପା ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ଦିଆହେଇଥିଲା ସବୁ ଖତ ଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ପିଲା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ମୁହାଁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି, ଯେବେଠୁ ଆମକୁ ଛଟେଇ କରାହେଇଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉଥିଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଦିନ ରାତି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି, ତାହା ଆଜି ବ୍ୟର୍ଥ ହେଉଛି। ଡିଓ ଆଉ କଲେକ୍ଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ବିନା ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଆମେ କେବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ନୁହେଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଯେମିତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଥିଲୁ, ଆମର NMMS ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅବଗତ ହେଲେଣି ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା କେତେ ନେସେସରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ଆଜି ଥାଳି ଗିନା ବଜାଉଛନ୍ତି, ଥାଳି ଗିନା ବଜାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଟେଇ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଖଟେଇ କରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ରାଜରାସ୍ତା ବା ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ବଜାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ରୁପ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଏହା ହେଉଛି ମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ରହିଥିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଚର ସେମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅଭିଭାବକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦାବି ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ରୁବା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ପୁଣି ପାଣି ପାଇଁ ତାତିଲେ ଲୋକେ, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଗରା ମାଠିଆ ରଖି କଲେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଚିତ୍ର, ଶେରଗଡ଼ ଦିଗପହଣ୍ଡି ରାସ୍ତାରେ ମାଠିଆ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶେରଗଡ଼ ତହସିଲଦାର, BDO ଓ IIC ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା ସହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ହଟିଥିଲା। ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ନବନିଯୁକ୍ତ ପୁଲିସ କମିଶନର ସୋମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ। ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ଦିନ 3 ସମୟରେ ସୋମେନ୍ଦ୍ର ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ କମିଶନର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ସହ
अनेक पुलिस कर्मचारी स्वागत जनाइबे। 1995 ब्याच आईपीएस अफिसर सोमेन्द्र प्रियदर्शी एहा पूर्वरु क्राइमब्रांचर एडीजी थिले। एहा सह कटक एसपी, कटक डीसीपी और पूरी एसपी और केन्द्रांचल आईजी भावे से पूर्वरु दायित्व तुलाइछन्ति। सेपटे नवनिजुक्त एहि आईपीएसक सम्मुखरे रहिछि अनेक चैलेंज। सहररे भुसुड़ी पड़िथिबा लॉ एंड ऑर्डर, साइबर क्राइम, लूट डकायती, महिला, वरिष्ठ नागरिक और वीवीआईपी को सुरक्षा आदि बड़ चैलेंज रहिबो। चैलेंज नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर। नुवा कमिश्नर को पाई बड़ चैलेंज लॉ एंड ऑर्डर, खास करी विधानसभा सुरक्षा। एबे न्याय पाई विधानसभा आगरे आत्महुति उद्यम संख्या भी बढ़िबार लागिछि। गत वर्ष परीर मां बापा चासी पुओ पाई न्याय मागुथिबा मां ओ ए वर्ष जने महिला आत्महत्या उद्यम करिसंती। यहा उपरे रोक पुलिस पाई बड़ चैलेंज। चैलेंज नंबर 2 महिला सुरक्षा। कटक भुवनेश्वर रे महिलांक सुरक्षा बड़ समस्या। 2020 रे दुई शहर रे 166 दुष्कर्म मामला सामना को आसीथिला। ता भितरु केवल भुवनेश्वर रे दुष्कर्म संख्या थिला 113। ता भितरे नाबालिका भी होइछंती दुष्कर्मर शिकार। ता सहित असदाचरणर संख्या भी बढ़ुची। एहाकु किबळि हैंडल करुछंती सोमेन्द्र प्रियदर्शी, ता उपरे भी रहिबो नजर। चैलेंज नंबर 3 साइबर क्राइम। ट्विन सिटी रे माती चंती साइबर लुटेरा, जमतरा गैंग भी ऑपरेट करुची भुवनेश्वर रे। लॉकडाउन समय रे बेसी ठकामी रो शिकार होइचंती द्वैत नगरवासी। बारंबार सचेतनता सत्वे ऑनलाइन रे ठकी होइ जाउचंती लोके, आ पुलिस टेर भी पाउनी लुटेरांक। साइबर क्राइम को रोकिबा सोमेन्द्र प्रियदर्शी को पाई बड़ चैलेंज। चैलेंज नंबर 4 अपराध नियंत्रण। राजधानी रे बीच रास्ता रे दिन दुई पहरे हेउची मर्डर। नयापल्ली घटना तार बड़ उदाहरण। 2020 रे कटक भुवनेश्वर रे 73 हत्याकांड रे रिपोर्ट होइतला। सेही भली डकायती, चोरी, राहजानी भी कमिश्नरेट पुलिस रो निद हो जाई दैछि। खास करी महिला को थारु चेन लूट भी चिंता बढ़ाउछि। चैलेंज नंबर 5 वीवीआईपी को सुरक्षा। भुवनेश्वर कटक रे माळ माळ वीवीआईपी, सेमान को सुरक्षा, सेमान को मूवमेंट उपरे नजर भी नुवा कमिश्नर को पाई हेबो बड़ चैलेंज। चैलेंज नंबर 6 संभाव्य कॉर्पोरेशन निर्वाचन। आगामी दिन में कटक और भुवनेश्वर में होपे कॉर्पोरेशन निर्वाचन। निर्वाचन परिचालना, शांति श्रृंखला रक्षा, अबाध और निरपेक्ष निर्वाचन भी आउ एक बड़ चैलेंज। चैलेंज नंबर 7 ट्रैफिक समस्या। दुई शहर में ट्रैफिक समस्या गुरुतर होबार लगी। घंटा घंटा धरी ट्रैफिक जाम लोकों नाकेदम करुच्ची, दुर्घटना भी बढ़ुची। ट्रैफिक नियंत्रण सोमेन्द्र आउ एक बड़ चैलेंज। भुवनेश्वर रोशन रथ और संतोष जेना रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। सुंदरगढ़ जिला बड़गाम ब्लॉक सहकारी जंत्री घरे विजिलांस चढ़ाऊ आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग एककालीन तीनोटी स्थान में रेड कर बड़गाम ब्लॉक कार्यालय सुंदरगढ़ स्थित कोठा एवं लेफ्रीपड़ा स्थित बासभवन में चढ़ाउ कर विजिलांस। सुंदरगढ़ में 2000 स्क्वायर फुट्र तीन तला कोठा, भुवनेश्वर में एक प्लॉट, स्विफ्ट कार और मोटरसाइकिल को जबत कर विजिलांस। परशुराम नायक बर्तमान आस्टाण इंजीनियर अच्छा बड़गाम ब्लक नाम आय बहिर्भूत संपत्ति कलेक्शन अभियोग से एसपी निर्देश मत आम स्पेशल विजिलेंस सुंदर पाखु सरचरण आनी आज तीन टी जगह चढ़ू चली आप देखुंत बर्तमान डबल ट्रिपल शॉट बिल्डिंग रंगारे चलती आफिस् आज गाँ लेफ्रीपड़े बर्तमान रेड चली बर्तमान यहाँ ट्रिपल शॉटर बिल्डिंग सुंदरगढ़ अच्छे टंगाड़ी बटे गोटे गाड़ी चारचकिया गाड़ी अच्छे स्विफ्ट डिजायर आन मोटरसाइकिल भुवनेश्वर गोटे प्लॉट बाहरी। गंजाम जिलार प्रसिद्ध दंडयात्रा रे लागिला कटकणा। यात्रा रे केवल दंडुआ को मिलिला अनुमति। सांस्कृतिक कार्यक्रम सह भोजी उपरे कटकणा लगाइछि जिला प्रशासन। कोविड नियम उल्लंघन कले दायी रहिबो कमिटी। निकटरे यात्रा पई 2000 लोकंकु राज्य सरकार अनुमति देथिले, जहाकु नै बारंबार विभिन्न माध्यम रे जिला प्रशासन को दाबी जणाइथिला कलाकार संघ, किंतु जिला प्रशासन समस्त प्रकाश आवेदन को खारज करछन्ति।
दंडनाचरे भी कोविड गाइडलाइन पालन हेबो केवल मानसिकता ही करबा पई दंडनाच को आला करा जा आलो करा जाउची लोकल लोग ही स्थानिक रहिवासी दंड रे हिस्सा नहीं पारिबे और तार दंडनाचर जो ऑर्गेनाइजर अछि से गोटे अंडरटेकिंग देबो सब कोविड गाइडलाइन पालन करबा पई। पश्चिमबंगर स्ट्रांड रोड्रे थिपा रेलबाई विभाग नुआ कोयलाघाटे बिल्डिंग रे अग्निकाण्ड घटना मृत्यु संख्या डक वृद्धि पाइछे। बिल्डिंग रो 13तम महलारे गतकाली संध्यारे भयंकर अग्निकाण्ड घटिथिला। एहाको आयत करिबाकु जाय 4 जण अग्निशम कर्मचारी 2 आरपीएफ ओ जणे एसआई को मिसाई 9 जणंकर मृत्यु घटिछि। सेहिपरि 2 जण गुरुतर मध्ये होइछन्ति। कोयलाघाटी बिल्डिंग को रेलबाई पक्षरु हाउस ऑफिस भाबे व्यवहार करा जाउथिला। अग्निशम कर्मचारी आरपीएफ ओ जणे एसआई को परिचय मिलथिबा बेले अन्य 2 मृतकंक परिचय मिलि नाही। लिफ्ट द्वारा मृताहत माने नियांको आयत करबा पई 11तम महलारे पहुचिथिले। एही समय रे विषाक्त गैस संस्पर्शरे आसी समस्तंकर मृत्यु घटिछि। सेपटे मृतकंक परिवारक पई 10 लाख टंकार क्षतिपूरण घोषणा करिछन्ति मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अन्यपटे घटना को नै दुख प्रकाश करिछन्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। मृतकंक परिवार को 2 लाख टंका लेखाए क्षतिपूरण ओ आहतंक चिकित्सा निमते 50,000 टंका लेखाए देबाको से घोषणा करिछन्ति। आज मैत्री सेतुर उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे भारत एवं बांग्लादेश मध्यरे एही मैत्री सेतुर उद्घाटन हेबो। एही कार्यक्रम अवसर रे प्रधानमंत्री त्रिपुरार विभिन्न उन्नयन प्रकल्प उद्घाटन करबा सह केतेक प्रकल्पर शिलान्यास करिवे। एही मैत्री सेतु त्रिपुरा एवं बांग्लादेशर सीमा देई प्रवाहित फेणी नदी रे निर्माण करा जाइछि। भारत ओ बांग्लादेश मध्यरे वृद्धि पाउथिबा द्विपाक्षिक एवं बंधुत्वपूर्ण संपर्क आधार रे एही सेतुर नाम मैत्री सेतु रखा जाइछि। 133 कोटी टंकार व्यय अटकल रे जातीय राजपथ एवं भित्तिभूमि विकास निगम द्वारा एही कार्य हातकु निया जाइथिला। एहा भारत ओ बांग्लादेश मध्यरे वाणिज्य जनसंपर्क क्षेत्र रे एक नूतन अध्याय आरंभ करिवो। प्रधानमंत्री सबु सबरूम ठारे एक समन्वित चेकपोस्ट पई शिलान्यास करिवे। एहा दुई देश मध्यरे सामग्री ओ यात्री परिवहन को सहज करबा सह उत्तर पूर्वांचल राज्य गुडिक पई नुआ बजार सृष्टि करिवो एवं बांग्लादेश ओ भारत मध्यरे बाधामुक्त यात्री परिवहन सुनिश्चित होई पारिवो। आसंताकाली नुआपड़ा जिबे मुख्यमंत्री। लोयर इंद्र प्रकल्प को उद्घाटन करबा सह विभिन्न योजनार लोकार्पण करिवे। एहाकु नै जिला प्रशासन पक्षरु जोरदार प्रस्तुति सरिछि। सेपटे विस्थापितंकु ड्याम परिसर भितरु बाहर करी निकट रजना स्कूल परिसर रे एक अस्थायी क्याम्प रे रखा जाइछि जेउठी रहउछन्ति कळीमाटी गारो विस्थापित। तबे विस्थापित परिवारक सह आम प्रतिनिधि युधिष्ठिर पटेल सेठारु सीधासळख जुडी हेउछन्ति। युधिष्ठिरक पाखकु जिबा पई चाहिबा। युधिष्ठिर वर्तमान विस्थापितंक स्थिति कोन? देखंतु चिन्मयी, आमे वर्तमान रजनार अस्थायी जो कैंप करिछंती जिला प्रशासन तरफ रु सेठी आमे अछु। आम सहित कालीमाटी गाँवर 10 गोटी विस्थापित परिवार आम सहित अछंती। तांकु केमती सरकार तांकर उचित प्राप्य देना तांकु क्षतिपूरण देनथिबार जो अभियोग करिछंती सेमाने आसिके एठी स्कूल रे 3 दिन हेलानी अछंती। तांकर सहित सीधासलख कथा हबा जे कोन तांकर प्रमुख समस्या रहिछि आ कोन माने कोन हेला 21 वर्ष हेगला आज डैम निर्माण को 21 वर्ष हेगला आ कोन तांकर क्षतिपूर्ण मिलला ना जे जोपाई से आज पर्यंत भिटामाटी छाड़ी पार ना आज से आसिक अस्थायी कैंप रहा पड़ा। चिन्ह भाई कौन कहे आपत दिन हो गला रोचना आम जमीन बाड़ी पिरामिड नहीं है पिरामिड कले आर पचे यहाँ 12,000 पिरामिड करें आमटा आमर अच्छे 18 एकड़ जमी एवं बलांगीर डिस्ट्रिक्ट गनु सगली इरेकेशन आम ट्रांसफर कराले सेन गला बलांगीर डिस्ट्रिक्ट डेढ़ लाख बोले 1.5 लाख चेक दुटा भी रखीदे अफिसर मन के भी दिनु आम से इतक दिन तक नहीं सुनबार आज्ञा कण कहे आप क्या आज गाँव में रही जाइन कण समस्या है आप उठी नहीं पार्बार गाँव आज्ञा मुई हूँ कालीमाटीर आउ आम बुढ़ी आम गाँ बुड़ी गला बोल कर सरकार देला 12,000 हिसाब से एकड़ प्रति आर आम जमीन खोजी गनु जे कें 1.5 लाख 2 लाख बताली तापर आम जगह फाग भी नहीं पार्नु आर जगह नहींनु तो डी नहीं पार्नु घर नहीं बने पार्नु लास्ट के आम कालीमाटी रहा लगे मत बाध्य पड़ा सबका आरुतापुर आम काली पर दिन सर नवीन पट्टनायक आसबे से लगे आम सेक्रेटरी प्रेसिडेंट आमर एर आई तहसिलदार चलो तुम स्कूल रहब कलेक्टर साहब को आदेश है
आरो तंग लागि किछ गुडे व्यवस्था करा जिवा तापर आमे बयनु आम त 20 वर्ष आगे आपण काण कहबे काण हला आपण यूट्यूब उठि नि परुजन काण प्रमुख समस्या रहै छै काण केनते लागि आपण इने विस्थापित नि परुजन आगे हमर विस्थापित देबेले जमीन बाड़ी टा नि पेबार तापर 18 वर्ष झियो पिला टा नि पेबार आर एक गेरसिया पैसा आम नि पेबार इ जिनिस माने आमे हेले जाय आगे उठि कर जे पारमन हेले जे नि पारो तो काण कहछन अफिसर माने ଅଫିସର ମାନେ କହୁଛନ୍ ଆଜି ଦେମୁ କାଲି ଦେମୁ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ଚାଲିଛେ ଆମକୁ ଏନ୍ତା କରି ତାଙ୍କର ଖର୍ଲା ତେଲ ନେଉଛନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବିସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିପାରିନା ଆଜି ଦେବୁ କାଲି ଦେବୁ କହିକି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାର୍ କାଣ କହିବେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିପାରିନା ଆମ କାଲି ମାଟି ଛାଡ଼ିନି ପାରବାର ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପେମେଣ୍ଟ ପତ୍ର ନି ହେବାର ଜମିନ ବାଡ଼ିର ଆଉ ଏସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନି ହେବାର 18 ବର୍ଷ ବାଲିକର ନି ହେବାର ଇସବୁ ନି ହେବାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାଲି ମାଟିରେ ରହିଯାଇଛୁ ସେନୁ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକରି କଲେକ୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ବୋଲିକରି ଧରି ଆଣିକରି ଆମେ ଇ ସ୍କୁଲରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ହିସାବରେ ଏଇଛନ୍ ରଖିଛନ୍ କାଲକେ ନୟନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଯେ କାଲି ମାଟି ତୁମେ ନି ରହ ଚାଲ ସ୍କୁଲକେ ରହ ତୁମର ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅପ୍ରେଲ ମାସେ କରିଦେମୁ ବୋଲୁଛନ୍ ଯଦି ନି ହେଲେ ତାଙ୍କର ନାତି କେସ୍ କରମନି ହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ତ ଇ ଫାଲ ନି ହେଲୁ ସେ ଫାଲ ନି ହେଲୁ ଆଜ୍ଞା ନା ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ଆର୍ ଇ ଫାଲ ସ୍କୁଲତି ରହେନ ସେ ଘାଟେ ନି ହେନୁ କି ବାଟେ ନି ହେନୁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆମେ ଯାଯାବର ଭଳିଆ ଏଇଟା ରହିଯାଉଛୁ ଆଜିକି 21 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା 2000 ଠାରୁ ଏଇଟା ଏକଦମ କାଲି ଦେମୁ ବୋଲି ଧୂଆଁ ବୋଲି ବୋଲି ସରକାର ଘୁଚା ଫୁଲ ବାଇକ ଘୁଚେ ନେଉଛନ୍ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବା କଥା ତାଙ୍କର ଜମି ଯେଉଁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବା କଥା ସେଇଟା ଏ ଯାଏଁ ମିଳିପାରିନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେ ଯେଉଁ ପରିବାରର ସଂଜ୍ଞାରେ ଗଣିତ ତାଙ୍କୁ ଗଣାଯାଏ ସେହି ପଇସା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ ତା ସହିତ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ରାଶି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହୁଛି 50,000 ଦେବୁ ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଜିଦ୍ ରହିଛି ଯେ ଆମେ 2,00,000 ହେଲେ ଯାଇ ଛାଡ଼ିବୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଏଇଟା ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଡ୍ୟାମ୍ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଥଇଥାନ କରିବା ତାଙ୍କର ଯାହା କ୍ଷତିପୂରଣ ହୋଇଛି ତାକୁ ଦେବା ଇଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିହାତି ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ନଜର ପଡ଼ୁନି ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ସରକାର ସେଠିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଆଶା କରିବା ହୁଏତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବାବେଳେ ହୁଏତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଛି ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।